मैं पहले बहुत पाखंड करता हूँ पर विश्वास करता था उमेश बौद्ध जी भंते सुनीत पाल जी से जब संपर्क हुआ तो धीरे धीरे हमें समझ में आया कि क्या सही है क्या गलत है। और हम एक छोटा सा इतना अनुभव तो नहीं है लेकिन मैं आकाश लामा जी से अनुरोध ये करूँगा कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो नरम दल के साथ साथ गरम दल का भी नेता हुए तभी भारत आजाद हो पाया। तो हम लोग जैसे कि पिछला बार हम लोग बोध गया जो कार्यक्रम किए शांति मार्च इसका ये नतीजा हुआ कि हम लोग कुछ सम्मान नहीं मिला, डीएम साहब से बात करने तक का मौका नहीं मिल पाया क्योंकि हम लोग शांति मार्च कर रहे थे, ना कोई सरकार का विरोध किए नहीं कोई नारा लगाया बस हाथ में तख्ती लेकर के। और बहुत ही दुखद बात है क्योंकि हजारों लोग बहुत वहां विहार में लोग प्रवेश करते हैं एंट्री करते हैं दर्शन करने के लिए लेकिन हम लोगों को मना कर दिया कि मात्र 20 सदस्य ही जा सकते हैं। जब 20 सदस्य बिना तख्ती के जाएंगे तो फिर हम एक कमेटी बनाना क्या आवश्यकता था, वो कमेटी का तो उद्देश्य ही नहीं था। इससे हम लोगों को अनुभव होता है आभास होता है कि शांति मार्च के साथ साथ कुछ गरम दल का भी होना अति आवश्यक है। और मात्र हम लोग इस मंच के माध्यम से तो करें ही लेकिन जैसे भीमार भी हुए बामसेप हुए या अन्य अन्य जो सामाजिक या बौद्धिक संस्था है उन लोगों को भी सहयोग में रखें, उन लोगों से भी अपील करें क्योंकि हमारे लोगों को सारे लोगों का उद्देश्य एक ही है लेकिन हम लोग सभी लोग अलग अलग मंच पे अलग अलग तरीकों से भले एक ही उद्देश्य हो करके हैं इससे हम लोग का ताकत काफी कमजोर हो पा रहा है। इसलिए हम लोग सारे लोगों से अनुरोध करें कि 13 सितंबर का जो कार्यक्रम करें उसमें सारे लोगों का सहयोग हो ताकि सरकार के कान तक जाए और उनको लगे कि नहीं ये धीरे धीरे ये संगठन है और सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं हमको इनका जो मांग है इनको पूरा करना होगा। पूर्व के वक्ता लोग भी बोले और एक बहुत अच्छा सेशन साहब को दिए थे कि बौद्ध गया बौद्ध के नाम से ये वो संगठन के लिए जो बोला गया ताकि भविष्य में भी उसमें क्या हुआ बौद्धिस्ट लोगों को ज्यादा महत्व दिया जाए बनाया जाए बहुत अच्छा होगा। और आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद आप लोग आए हमें मौका दिए और इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं इतने बड़े मंच पे इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।